I can see it in your eyes. You've seen the moon and its darker side. I can feel the gravity. The force is pulled between you and me. Yes, it's true, I'm falling hard for you. But I won't rush this और किसी भी वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र का तो एक ड्रीम होता है कि भाई एक टेलीफोटो लेंस तो होना ही चाहिए, तब तो वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी कर पाएंगे। जैसे कि बहुत सारी जो कुछ हॉबीज़ होती हैं या पैशन होता है उनको फॉलो करना थोड़ा इजी होता है, बट फोटोग्राफी ऐसी एक चीज़ हो जाती है जिसको आपको अगर मेंटेन करना है तो आपके पास में पैसे होने चाहिए, और थोड़े नहीं बहुत पैसे होना चाहिए ताकि आप अफोर्ड कर पाए इक्विपमेंट्स। तो वेडिंग फ़ोटोग्राफी तो और भी महंगी हो सकती है, और वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी में ऐसा है कि भाई आप कोई इनकम जनरेट नहीं करते हैं। तो मैंने अपना लेंस मंगा चुका है, इसके पहले मैंने एक और लेंस मंगाया था, और ये टेलीफोटो लेंस है कैनन के लिए, जो मेरा एंट्री लेवल DSLR है 1300D, उसके साथ में मैं इसे कंपैटिबल करूँगा। और अगर बात करते हैं अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा अगर चीप आपको मिलने वाला है टेलीफोटो लेंस, वो भी 300mm, तो वो टैमरॉन ही दे सकता है, इसके अलावा सिग्मा दे सकता है। तो बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा था और फाइनली ये आ गया, आउट ऑफ स्टॉक दिख रहा था, और मैंने इसे ऑर्डर किया है टाटा क्लिक के साइट की तरफ से। और इसको क्विक अनबॉक्स करते हैं और दिखाता हूँ आपको इसके सारे फीचर्स के बारे में। तो चलिए क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके प्राइस और इसके दूसरे फीचर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले इसको कर लेते हैं क्विक अनबॉक्स। तो चलिए, दिस इज हाउ फाइनली दिस इज़ ओपन। और देखने को मिलता है सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्विस वारंटी कार्ड, और 2 ईयर्स की आपको ये स्टैंडर्ड वारंटी टैमरॉन की तरफ से मिलती है, जिसे आप फिल करके बाद में रख सकते हैं, और इसे आप इसकी वेबसाइट पे भी इसको रजिस्टर कर सकते हैं। और हालांकि ओके, ये पैकिंग जो है थोड़ी सी इस तरह से दिख रही है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा जो अच्छी पैकिंग आती थी पहले, मैंने इसे देखा हुआ है, और पता नहीं शायद कोरोना या इस तरह से कोविड के कारण इस तरह से इसको दिया हुआ है। तो इसके प्राइस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले इसे ओपन कर लेते हैं, इसके फ़ीचर्स के बारे में जान लेते हैं। टैमरॉन इंडिया की तरफ से ये आया है और मेड इन जापान लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं है कि नहीं भाई। तो चलिए ओपन करते हैं। काफ़ी अजीब सी पैकेजिंग मुझे लग रही है। पहले जो आया था उसमें बहुत अच्छे तरीके से पैकिंग होकर के आया था, प्रिंटेड पैकेज था, बट इस बार शायद कोविड की वजह से इसे नॉर्मली ही दिया गया है। और फर्स्ट लुक है देखिए इसका, टैमरॉन की ब्रांडिंग मिल रही है यहाँ पे, और टैमरॉन फॉर कैनन ऑलरेडी लिखा हुआ है। और मिनिमम आपको इसमें मिल जाएगा जूम 70mm का, और मैक्सिमम आपको 300mm का मिल जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। सबसे पहले देखिए कि ये यहाँ पे इसके साथ में दिया हुआ है लेंस हुड, थोड़ा उल्टा लगा हुआ है, इसे निकाल करके आप यहाँ पर फिट कर सकते हैं। और ये लेंस हुड किसी भी प्रकार के जो साइड से जो लाइट्स आती हैं उनको ये रोकता है। इसके अलावा जो है, इसके अलावा अगर लेंस में किसी प्रकार का फिज़िकल डैमेज ना हो, इसलिए वो इसको प्रोटेक्ट भी करता है। और चलिए निकालते हैं इसे, और ये दिया हुआ है इस तरह से, और पीछे इसका ये यहाँ पे प्लग्स दिए हुए हैं सारे, और यहाँ से कनेक्शंस करने के लिए। और क्विक फीचर्स के बारे में इसमें जान लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैक्सिमम इसका जो आपको मिल जाता है जूम 300mm का मिल जाता है, और अगर आप इसे क्रॉप सेंसर कैमरे के साथ में यूज़ करने वाले हैं
तो डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू बी 1.6 आपको इसका क्रॉप फैक्टर मिल जाता है। और ये मैनुअल और ऑटो फोकस दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। आप पीछे रखते हैं से तो स्विच करके आप मैनुअल मोड में यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस, और मैनुअल फोकस में, उसके बाद में ऑटो फोकस में आप इस तरह से, तो ये फोकस होगा कनेक्शंस की वजह से। और अगर आप मैनुअल में देखिए, और जूम जो है काफ़ी जूम आपको मिल जाता है इसमें देखने के लिए, और जो मैक्सिमम अपर्चर आपको मिल जाता है वो आपको मैक्सिमम अपर्चर जो है 4.6 मिल जाएगा, और मिनिमम जो मिल जाएगा इसमें आपको 4.0 मिल जाएगा। और इसके अलावा इसमें मैक्रो फ़ोटो भी आप ले सकते हैं, अलग से एक डेडिकेटेड की दी हुई है। आप इसे जैसे ही शूट करते हैं, जैसे ही स्विच करते हैं मैक्रो में, ये शूट हो जाता है 180 mm से लेकर के 300 mm तक में ही आप मैक्रो शूट कर सकते हैं, यानी ये यहाँ पर इस तरह से जाने वाला है। और इस तरह से आप मैक्रो खींच सकते हैं, उसका फैक्टर होगा 1:2। और चलिए क्विक इसे फिक्स करते हैं पहले नॉर्मल में, और इसे इससे फिट करने के लिए पहले तो ये कैनन का जो किट लेंस है उसे निकाला, और ये जो रेड डॉट दिख रहा है उससे मैच करके ये, सो ये है इसका फाइनल लुक। किसी भी आप कैनन के क्रॉप सेंसर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऐसा नहीं है कि आप बड़े कैमरेज के साथ में यूज़ नहीं कर सकते इसे, और ये सेम टाइप की आपको सर्विस देने वाला है। और तो इसका क्विक रिव्यू इस तरह से है, और इसमें जिस तरह की फ़ोटोज़ ये लेता है वो मैं आपको दिखा दूँ। मैंने बहुत टेस्ट करके रखा हुआ है इसे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक लिया है, और इसमें किसी भी प्रकार का एब्रेशन आपको देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से ये पिक्चर्स लेता है, काफ़ी क्लियर पिक्चर्स लेता है। और कैनन के दूसरे जो कैमरा हैं जो कि 20 या 30 के आसपास आपको मिलते हैं, तो उससे तो काफ़ी चीप है। तो बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। सो जैसे देखिए, ये मैंने एक फ़ोटो लिया था, और यू कैन सी हियर, तो किसी प्रकार का भी आपको इसमें डिफेक्ट नहीं नज़र आता है। तो इसकी प्राइस के बारे में बात करते हैं। इसका जो प्राइस आपको पड़ता है वो है 9,500। अगर आप अभी लेते हैं तो टाटा क्लिक से मैंने इसे परचेस किया है, और इस रेंज में 300 mm, अगर आप वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं और आपके पास में क्रॉप सेंसर कैमरा है, तो आप टैमरॉन बिल्कुल बाय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, और इसका फोकसिंग के बारे में बात की जाए तो काफ़ी अच्छी इसमें आपको देखने को मिलती है, लाइक दिस। देखिए बहुत ज़्यादा ये सफ़र नहीं करता है फोकस करने में, क्विक फोकस है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे मैनुअल सिलेक्शन में बीच वाले डॉट को ही सिलेक्ट करके रखा हुआ है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी क्विक फोकस। और देखिए जैसे कि मिनिमम आपको जो अपर्चर मिल जाता है वो मैक्सिमम जो मिल जाता है 4.0 मिल जाता है, एंड 5.6 जो है मैक्सिमम जाता है। और तो इस तरह से ये काफ़ी, अगर आप कम में ज़्यादा चाहते हैं तो उसके लिए दिस इज़ बेटर। और इसकी जो किस तरह की पिक्चर्स क्वालिटी है, किस तरह की वीडियोस है, मैं आपको इसके बाद डाल देता हूँ और आप उसे देख सकते। तो हम इसे ले आए हैं सीधे छत पे टेस्ट करने के लिए कि ये कैसा वर्क करता है, और क्विक देख लेते हैं। इसकी ऑटो फोकसिंग तो काफ़ी ठीक लग रही है, और हालांकि ये फोकस नहीं है, इसे फोकस कर लिया मैंने, और इसे देखिए काफ़ी क्विक फोकस मुझे नज़र आ रहा है इसमें। और ये पूरे 300 mm पे सेट है, मुझे तो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है ये।
हालांकि एमआरपी की बात की जाए तो एमआरपी 11,000 कुछ दिखाती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है 11,900 इंक्लूडेड ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा हुआ है, हालांकि ये काफ़ी कम में पड़ गया मुझे। तो बस यहीं तक था, और स्टे कनेक्टेड, इसके बाद मैं आपको इसकी क्वालिटी चेक्स बता दूंगा। सो हैव अ गुड डे गाइज़।